यहाँ हम क्लियर आज बताने आया है, हमारा स्टेटमेंट और हमारा जितना एग्जीक्यूटिव का बिहाफ से हम क्लियर यह स्टेटमेंट देने आया है। हम लोग को एलिगेशन दिया कि ये पॉइंट को लेके हम लोग को गवर्नमेंट का स्कीम वोट फ्लो हुआ, इसलिए हम लोग को यह उसको साथ नहीं दिया। हम इसलिए हमारा टीम इसलिए साथ नहीं दिया कि आप हमेशा इशू उठाते हैं, आप रिजल्ट लाता नहीं। आपका एक इशू में भी अभी तक ये किया है वो कि रिजल्ट नहीं है, वो आपका सिर्फ नहीं हमारा भी था, लेकिन हैदर भाई प्रेसिडेंट का ही होता है। आप हमेशा इशू उठाते हैं और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपको इतना कोऑपरेट करता है, कहीं एक इशू उठाओ चलो। हमारा इतना एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर इतना डेडिकेटेड है, हमारा 23 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है आपको कोऑपरेट करता है, चाहे मेरा पक्ष में रहो चाहे आपका पक्ष में अभी जो एग्जीक्यूटिव रहा है वो हमेशा आपको साथ दिया, हमने साथ दिया। लेकिन यहाँ एक भी इशू आज तक हमारा जो है सक्सेस नहीं हुआ। हमको तो प्रीवियस ब्रीफिंग में भी बोला है कि इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है, हाँ आप इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है तो आप बायलो पढ़ने नहीं जानता है, बायलो में क्या लिखा है। आप आंसू कभी भी इशू क्रिएशन नहीं कर सकता है। अभी टीम भी इशू बना के वो अपना प्रेसिडेंट मेकिंग के लिए कर रहा है, हम लोग का टीम स्ट्रॉन्गली उसको कंडेम करता है। आप किस बेसिस में आप भी इशू बनाएंगे, किस बेसिस में बना रहे हैं, और आंसू कभी भी इशू क्रिएट नहीं कर सकता है जबकि बायलो में नहीं है। गुड आफ्टरनून टू ऑल द मीडिया फ्रेंड, ऑल द व्यूअर्स, और इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग मीडिया पहुंचा है यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो टीम का ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का हमारा टीम कुछ पॉइंट को लेके यहाँ प्रेस स्टेटमेंट देने आया है। आप लोग समाज को हमने 5 अगस्त को हमने एक ब्रीफिंग दिया था कि हमारा टीनियर और हमारा जो 10 पॉइंट इशू को लेके हमने बोला कि सोशल मीडिया के थ्रू में हमने देखा कि अन्या और अंशु का बन कॉल डिक्लेयर करके एक प्रेस क्लब में परमिशन मांग के एप्लीकेशन को देखा, सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा। उसको देखने का बाद हमने एक 5 अगस्त को एक ब्रीफिंग दिया। हमने ब्रीफिंग में क्लियर बोला हमारा टीम मोर देन हम लोग का 13 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमने क्लियर बोला कि हमारा टीनियर ओवर हो चुका है, हम एक्सटेंशन पीरियड में हैं, पर हम लोग एक्सटेंशन पीरियड जो इलीगल एक्सटेंशन पीरियड में हैं, और एक्सटेंशन पीरियड का टाइम में हम लोग कोई इशू नहीं उठा सकता है। लेकिन फोर्सफुली हमारा प्रेसिडेंट ने बन कॉल डिक्लेयर किया, वो बन कॉल को हमने ओपोज किया। आज हम ये बताने आया कि हम हमारा टीम 10 पॉइंट बन कॉल को हमने क्यों ओपोज किया। हमने उसमें बताया कि ये इशू जो है 2023 का है इशू है, और 24 का अभी जो 2023 में हम लोग जो रिजोल्व हो चुका है इशू को, 2024 में अभी टीनियर जब ओवर हो गया उसमें लेके आके जो बन कॉल प्रेसिडेंट आंसु डिक्लेयर किया फोर्सफुली, हमने उसमें ओपोज किया कि ये 10 पॉइंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल निशी सेंट्रिक नहीं है, हमारा निशी सेंट्रिक का इशू नहीं है हमने बोला, और हमारा टीनियर ओवर हो चुका है और एक्सटेंशन पीरियड हम लोग नहीं कर सकते हमने बोला। तो आज आप लोग ने देखा, समाज देख रहा होगा, 10 पॉइंट इशू जो है वो कुछ कुछ 3 पॉइंट बन जाता है, और 3 पॉइंट से फिर अभी एक भी पॉइंट जो है सक्सेस नहीं हुआ। अभी हाल ही में आप लोग देखा हमारा कुछ टीम, हमारा प्रेसिडेंट लीड करके कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला है, तो उसका रिजल्ट को हम वेट किया। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप रिपीलिंग हुआ,
हुआ कि नहीं हुआ अभी पब्लिक आप लोग देख रहे हैं, कोई हुआ रिथिन रिकॉर्ड नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ट इंटरप्रिटेशन को रिपील किया जाएगा। उसमें हमको ये भी सुनाई देता है कि ऑनरेबल जो जितना निशी एमएलए लोग 11 निशी एमएलए लोग साइन करके दिया रिपीलिंग करने के लिए, उसका लेटर को भी हम लोग हम नहीं मिला कि किस बेसिस में करेगा, ना हो गया ना नहीं हुआ, ना हमेशा लॉजिस्टिक कंक्लूजन हो गया। हम सीएम को मिलने का बाद देखा है वहां कुछ भी रीजन नहीं है, और जैसे हमने 5 अगस्त को ब्रीफिंग किया ऐसा ही रह गया। तो हमारा एक ये है, कुछ टाइम टाइम के लिए हम अपना जब पर्सनल बेनिफिट्स के लिए चाहिए तो समाज में निकलेगा, थोड़ा नाटक करेगा, फिल्म शूटिंग करेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग देखा है समाज हमने क्या बोला, उसका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, पर्सनल बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा है। तो आज यहाँ ऐसा ही हो गया। तो हमारा ये फोन को लेके आज ब्रीफिंग है, और उसके बाद यहाँ हम क्लियर आज बताने आया है हमारा स्टेटमेंट, और हमारा जितना एग्जीक्यूटिव का बिहाफ से हम क्लियर यह स्टेटमेंट देने आया है। हम लोग को एलिगेशन दिया कि ये पॉइंट को लेके हम लोग को गवर्नमेंट का स्कीम बहुत फ्लो हुआ, इसीलिए हम लोग को यह उसको साथ नहीं दिया। हम इसलिए, हमारा टीम इसलिए साथ नहीं दिया कि आप हमेशा इशू उठाते हैं, आप रिजल्ट लाता नहीं, आपका एक इशू में भी अभी तक ये किया है वो कि रिजल्ट नहीं है, वो आपका सिर्फ नहीं हमारा भी था, लेकिन हैदर भाई प्रेसिडेंट का ही होता है। आप हमेशा इशू उठाते हैं और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आपको इतना कोऑपरेट करता है, कोई कहीं एक इशू उठाओ चलो, हमारा इतना एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर इतना डेडिकेटेड है, हमारा 23 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है आपको कोऑपरेट करता है, चाहे मेरा पक्ष में रहो चाहे आपका पक्ष में अभी जो एग्जीक्यूटिव रहा है, वो हमेशा आपको साथ दिया, हमने साथ दिया। लेकिन यहाँ एक भी इशू आज तक हमारा जो है सक्सेस नहीं हुआ। आप मालूम है हम लोग 2021 को इलेक्टेड हुआ, इलेक्टेड होते ही हम लोग जो कोरोना था उसका बीच में हम लोग का जो एक हमारा यह कन्वेनर बैठा हुआ है, ये हमारा एसपी जिमी चिरम का साथ में थोड़ा आर्गुमेंट हो गया, तो उसमें हम लोग को क्या अंशु आप लोग उसमें क्लियर है, उसमें हम लोग अंशु मेंशन किया गया था, लेकिन वो उसमें हम लोग ने उसको इमीडिएट ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल हम लोग जिमी चिरम को डिमांड रखा, लेकिन वो डिमांड हम लोग इशू को ये सक्सेस नहीं कर पाया। आप इशू उठाता है फिर आप रात को ही फिर मिलता है, अब रात को जिमी चिरम को मिलने चला जाता है। तो उसके बाद आया हमारा ये 14 पॉइंट, आप लोग देखा 14 पॉइंट में हम लोग का नियारिका राय इंक्लूडिंग जो आईएस जो नियारिका राय को लेके हम लोग ट्रांसफर हुआ, नियारिका राय का ट्रांसफर का अलावा यहाँ हम लोग का कुछ भी पॉइंट नहीं हुआ। और उसमें सुनने में आता है कि जितना आप लोग का पॉइंट देखता है कि 14 पॉइंट में आप देखा है वो जो यूनिफॉर्म का सप्लाई का लेके कुछ कुछ जो टेंडर का, तो एजुकेशन सेक्टर में देखा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इशू जो इशू रिजोल्व नियरिका ट्रांसफर का बाद देखा है पूरा वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरा सप्लाई काम ही वो कर रहा है, वो सप्लाई वर्क ही कर रहा है। तो उसमें एक काम हमने देखा है कि हम लोग का आईएससी में एक जो बेडिंग का सप्लाई था 2 करोड़ जो रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, अब उसको ये एक दलाल वो एजुकेशन का ये में एक दलाल था तिवारी उसका साथ मिलके किया। तो एजुकेशन सेक्टर में अब अपुम पारे का जो जितना और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूनिफॉर्म सप्लाई को भी शायद उसमें सुनने में आया उसको हम ये नहीं है, तो ऐसा करके यहाँ आप करता है। उसके बाद फिर एक हुआ ये एडिशनल 5 चीफ इंजीनियर ऑफिसिया ईटानगर जो डिविजन 4 का 2 करोड़ उसको आप यहाँ वो इशू में आप कॉम्प्रोमाइज किया, 14 पॉइंट में भी नहीं हुआ।
और उसके बाद यह आता है हमारा जो स्टेट का जो वाइब्रेंट इशू, जो एक पेपर लीकेज एपीसी स्पेस को हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितना भी है, हम लोग ने ये इशू को हम लोग ने फुल डिवोटेड से हम लोग साथ दिया, डेडिकेटेड से। मरना है, जीना है, हम लोग यहाँ साथ दिया। लेकिन वो हेडेड बाय वो, उसने इशू को भी वही हेडेड किया। आप लोग देखा जितना मीडिया ब्रीफिंग किया, इशू को रखा उसने रखा। हम लोग का पॉइंट था कि हम लोग मीटिंग का दौरान ये बोला कि हम लोग सिर्फ सबको साथ देगा, लेकिन नल एंड वॉइड को हमने हमने बोला कि नल एंड वॉइड को हमने थोड़ा हमने अपोज किया, लेकिन वो नल एंड वॉइड को भी पोस्टपोन डाला। आज नल एंड वॉइड हुआ, वो भी लॉजिस्टिक कंक्लूजन हो गया, उसका भी कुछ इशू अभी आउटकम नहीं है। उसके बाद वो जितना अभी जो कमिटी को लेके गया ये इशू में, उसको छोड़ के वो छोड़ दिया। और यही इशू को बात करने के लिए हम लोग ने 9 जनवरी 2023 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, हम लोग मेरा वाइस प्रेसिडेंट, हम और मेरा ये कुछ निशी मंत्री है, हम लोग वहां गया तो इशू का बात नहीं करके वो अपना जो है पेंडिंग फाइल, जो वो काम पुटअप किया अपना बिजनेस प्रपोज के लिए, उसको बात करने लग गया। वहां उसने क्लियर एक अपना एक आरएडीएफ स्कीम में अपना एक बस्ती के लिए एक मांगा कि उसमें ये रखा अप्रोच रोड फ्रॉम रेसिंग टू माचिंग पुतु योगिना गेको गेका अंडर लियोपोरिंग सर्कल सगाली विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹20 करोड़ एग्जीक्यूटेड बाय PWD सगाली। ये एक था उसका फाइल, तो उसको दिखा के उसने बोला कि मेरा अपना बस्ती का ऐसा। ये एक। उसके बाद में हमारा अंशु ऑफिस में ओपन ऑडिटोरियम नियर अंशु ऑफिस प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹5 करोड़, RCC वॉल नियर अंशु ऑफिस विथ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹2 करोड़। जब उसने ये उसमें अपना पर्सनल ये किले वह बात किया, आप लोग अभी देखिए, तब से हम जो है हमने बोला कि आप जो भी इशू करिए लेकिन हम साथ नहीं। अब जब जब इशू उठाता है, आप अपना बिजनेस प्रपोज के लिए करता है, अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए करता है। इसीलिए आज का दिन में यहाँ ये अंशु का नतीजा जो पेक्शन होके बैठा है, एक बिजनेसमैन यहाँ आके अंशु को पूरा बर्बाद कर दिया। एक यहाँ फिर उसमें वो फिर प्रोजेक्ट के लिए बात किया, तो हम बाद में उसको हालत ये कर देंगे। और उसका बाद में उसने अभी देखो बोरम में अभी नेक्सा डीलर के ऑपोजिट में जो एक रोड कटिंग चल रहा है, उसमें भी वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बोरम विलेज टू बुक विलेज विद प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹15 करोड़, यह भी उसने वो जो 10 पॉइंट नहीं करने से पहले उसको मांगा है। और 10 पॉइंट नहीं करने से पहले एक प्रपोजल रखा है कि न्यूबू न्यरकोम यरको स्कूल 45 करोड़ का उसने प्रपोजल रखा है, तो उसको नहीं किया बोल के ये 10 पॉइंट और किसी किसी का ऊपर में और अपना अपना पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये इतना इसको 10 पॉइंट को सीरियस हो गया, तो उसने वो उसको रखा। अभी आप लोग देख लीजिए वो रोड उसका इंटरप्राइज से काम कर रहा है। और उसके बाद हम लोग का जो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का वहां से हम लोग को मॉडल स्कूल के लिए स्कीम बताया सब 7 डिस्ट्रिक्ट में इसी का, उसको भी यहाँ पापुमपारे का जो कोटा था, पापुमपारे का कोटा को अपने बस्ती में लेके अभी काम कर रहे हैं। और जहां स्टूडेंट है वहां एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके काम किया उसने। तो उसके बाद आता है अभी हमारा अंशु ऑफिस का नाम में आप लोग देखा है 100 कोर्स मेरा रिप्लाई में कि अंशु ऑफिस आज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, इसलिए नहीं है। कंस्ट्रक्शन चेयरमैन जो है वो हमारा प्रेसिडेंट खुद है, वो हमको इसलिए गुस्सा किया कि हमने बोला कि आप हमारा 3 ईयर ओवर हो रहा है, अंशु का कंस्ट्रक्शन का रिपोर्ट को हमने मांगा है और रिपोर्ट का चलते हमको 100 कोर्स दिया।
तो उसमें हम हमारा जो टोटल कलेक्शन है अंशु ऑफिस का या टोटल कलेक्शन यहां पे है। हमने बोला ये हमारा 100 कोस में रिप्लाई किया कि वेल विशर 1 करोड़ केस 35 लैक्स चेक, ये हमने इसको क्लियर रिप्लाई किया। उसके बाद 50 लैक्स ये सोर्सेस को हमने उसको बोला कि इसको एक्सपोज नहीं कर सकता है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ लेबर बोर्ड 20 लैक्स, उसके बाद ये जो नाबम रिबिया 10 लैक्स, बालो राजा 10 लैक्स, निक कामिंग 10 लैक्स, लिका सोनी 10 लैक्स, जितना ये अच्छी हम लोग का समाज का जो है कंट्रीब्यूट करके दिया, या टोटल रुपीज 2 करोड़ 25 लैक्स रुपीज 2 करोड़ हम लोग का यह आ रहा है रुपीज 2 करोड़ ऑफिस का। उसके बाद जितना यहाँ हमारा समाज का वेल वेशर लोग ने वह मेटल्स को फ्री में वह दिया, आपका गिट्टी बालू से लेके सब कुछ कंट्रीब्यूट किया, सीमेंट तक दिया, आज हमारा अंशु ऑफिस को क्यों आप कंप्लीट करके नहीं जा रहे। हम जब हम उसको हम ऑडिट किया तो हमको 100 कोस दिया, हम लोग का टीम को पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को, मोर देन 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर को 100 कोस दिया। वह यह इतना मेटेरियल है, आज देखो आप अंशु ऑफिस को नहीं बना के आपका घर कंप्लीट कर लिया, अंशु ऑफिस का मेटेरियल को आपका घर ले जाता है। तो ये सब होने का रीजन है, इसलिए आज आपको हम लोग साथ नहीं देता है। आज जो एक एडिशनल हम लोग का 2 पॉइंट, एक ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन जो क्रिएशन कई पंजर में हुआ है, हाल ही में 3 भी इशू क्रिएट किया है। आप तो मेरा वही है आपसे सवाल, हमको तो प्रीवियस ब्रीफिंग में भी बोला है कि इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है क्या, ना आप इंग्लिश पढ़ने नहीं जानता है क्या, तो आप बायलो पढ़ने नहीं जानता है, बायलो में क्या लिखा है। आप अंशु कभी भी इशू क्रिएशन नहीं कर सकता है, अभी 3 भी इशू बना के वो अपना प्रेसिडेंट मेकिंग के लिए कर रहा है, हम लोग का टीम स्ट्रॉन्गली उसको कंडेम करता है। आप किस बेसिस में आप भी इशू बनाएगा, किस बेसिस में बना रहे हैं, और अंशु कभी भी इशू क्रिएट नहीं कर सकता है जबकि बायलो में नहीं है। और उसके बाद यहाँ हमारा ये को लेके अभी हम लोग डीएन कॉलेज में बायलो को जो अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग जो बनाया सुनने में आए उसको भी टेम्परिंग कर रहे हैं। हम लोग ने बोला कि इच बी इशू जो है 4 कैंडिडेट रिकमेंड कर सकता है, वो 4 कैंडिडेट जो है इंक्लूडिंग कोटा पोस्ट, अभी सुनने में आया कोटा पोस्ट को टेम्परिंग हटा देगा और टिकट सिस्टम को हटा देगा। जो रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग इस बार बनाया चेंजेस उसको भी टेम्परिंग कर रहे हैं। तो आप किस बेसिस में आप टेम्परिंग कर सकता है, इसलिए मेरा वही है आप बायलो को हम लोग का टीम का तरफ से हम लोग बी इशू क्रिएशन को टोटली हम लोग अपोज करता है, और जो 3 बी इशू बनाए हैं उसको हम लोग टोटली नहीं मानता है। और जो 3 बी इशू से वो लोग जो अभी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कई पंजर लोग को हम यही अपील करता है कि आप लोग का वहाँ इतना इंटेलेक्चुअल, आप लोग इतना स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर लोग है, आप लोग कैसे यहाँ से आप लोग विदाउट एनी इलेक्शन विदाउट एनी कॉन्फ्रेंस यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन कैसे कर सकता है, ये एक यूनियन में हिस्ट्री में नहीं है। हाँ आप कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बना के अन ओपोज करना कर सकता है, वो बिल्कुल हम लोग नहीं मानता है। उसके बाद जो बायलो को जो हम लोग का टीम स्ट्रॉन्गली हम लोग बायलो का टेम्परिंग को हम लोग ये नहीं है, जो बी इशू एटन बी इशू जो पास किया है वही रहना चाहिए, और आप इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर कर देने से अच्छा है, क्योंकि कैंडिडेट लोग अभी पिछला महीना से 2-3 महीना से घूम रहा है पूरा कैंपेन में लगा हुआ है, काफ़ी अपना जो है खर्चा भी ज़्यादा कर रहा है। तो इसके लिए हम अपील करता है कि आप इलेक्शन को जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन इलीगल एक्सटेंशन है। तो ये अभी यही चीज़ को हम बताने आया है समाज को कि ये जो 10 पॉइंट हम 5 अगस्त को जो बैठा है उसको लेके हम बताने आया है कि आज हम जो बोले हुए हैं, हमको इतना बोला कि
पूरा हर जगह मीडिया में हमको ट्रोल किया गया। आज बोलो बंद कौन हुआ? आप यहां में देखिए, ये इतना बोन साइन किया, किसी का साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा